टू ऑल ऑफ यू. फ्यूल के आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोल एनालिसिस. कोल माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द ग्राउंड. पृथ्वी के अंदर हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे दब गए हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, उनका डिकम्पोजिशन होने से कोल बनता है. तो कोल माइन से कोल की एक्सट्रैक्शन किया जाता है. Coal is valued for its energy content and has been widely used to generate electricity. Thermal power is basically based on coal energy in India. Coal ka use uske energy content ke karan uski importance hai, jiska use thermal power station mein electricity generate karne mein kiya jata hai. Coal is regarded as fossil fuel produced from large accumulation of dead plants and trees due to partial decay and alteration by the action of heat and pressure over millions of years. तो पृथ्वी के अंदर हजारों लाखों साल पहले तमाम पेड़ पौधे जो दब गए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, उनका ग्रेजुअल डीके हुआ और उस डीके से कार्बोनेशियस कंपाउंड बना, कार्बन कंपाउंड बना, कार्बन कंटेंट वाला एक मटेरियल तैयार हुआ जिसे कोल कहा जाता है. कोल इज हाईली कार्बोनेशियस मैटर. इट इज chiefly composed of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, besides non-combustible inorganic matter. Carbon सबसे अधिक होता है coal में, जिसके कारण उसमें heat content होता है. उसके अतिरिक्त hydrogen, nitrogen और oxygen होता है, तथा कुछ part उसका non-combustible होता है जिसे ash कहते हैं, राख. Classification of coal. कोल का क्लासिफिकेशन उसके कार्बन कंटेंट के आधार पे किया गया है. कार्बन कंटेंट के आधार पे उसका हीट कंटेंट डिसाइड किया जाता है और हीट कंटेंट के आधार पर उसका रैंक. कोल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक. रैंक इज डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड इज देयरफॉर अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ कार्बन कंटेंट्स. पीट एंड लिग्नाइट कोल्स आर रिफर्ड एज लो rank coals, while bituminous coal and anthracite are classified as high rank. तो इनका rank जो है carbon content के आधार पे decide किया जाता है. जितना अधिक carbon content होता है coal की quality उतनी ही अधिक होती है, उसका heat content उतना ही अधिक होता है. मुख्यतः चार प्रकार के coal होते हैं, peat, lignite, bituminous and anthracite. इसमें anthracite सबसे अच्छा coal होता है जिसमें carbon content सबसे अधिक 95% तक हो सकता है, और पीट सबसे लो ग्रेड कोल है, इसकी रैंक सबसे लोअर होती है. पीट एंड लिग्नाइट कोल्स आर रिफर्ड एज लो रैंक कोल्स, व्हाइल बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट्स आर क्लास्ड एज हाई रैंक. द लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस कोल्स आर सॉफ्ट कोल, व्हाइल बिटुमिनस कोल्स एंड एंथ्रासाइट कोल्स आर टर्म्ड एज हार्ड कोल. तो लिग्नाइट सब बिटुमिनस कोल सॉफ्ट होते हैं, बिटुमिनस कोल भी सॉफ्ट होता है, एंथ्रासाइट एक हार्ड कोल होता है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे अधिक होता है. कोलिफिकेशन, वुड पृथ्वी के अंदर ट्रीज और प्लांट्स जो दब गए उनकी वुड जो एक सेल्यूलोज मटेरियल होता है, जब डिकम्पोज होता है पीट में कन्वर्ट होता है, कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका डिकम्पोजिशन आगे बढ़ता है तो लिग्नाइट में बदल जाता है जिसमें कार्बन कंटेंट और अधिक हो जाता है. उसके बाद बिटुमिनस कोल बनता है जिसमें कार्बन कंटेंट और अधिक होता है, और अंततः फाइनली एंथ्रासाइट कोल तैयार होता है जिसमें 95% तक कार्बन कंटेंट हो सकता है और वोलाटाइल मैटर भी सबसे कम होते हैं. डिफरेंट स्टेजेस पिक्टोरियल डायग्राम बना करके शो किया गया है. पीट कोल अंडर हाई heat and pressure changes to lignite, then lignite changes to bituminous and bituminous changes to anthracite. As we go from peat to anthracite, the heat content is increased, carbon content is increased and moisture content is decreased. So, सबसे अधिक moisture और volatile material peat में होता है, सबसे कम anthracite में होता है, इसलिए इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जबकि कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होता है और पीट में सबसे कम होता है. पीट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं पीट की. फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
कंटेन्स लेस देन 40% कार्बन, सबसे कम 40% से भी कम कार्बन होता है। कंटेन्स सफिशियंट वोलेटाइल मैटर एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर, जितना अधिक वोलेटाइल मैटर होगा जो हीट मिलते ही बिना बिना जले हुए इवेपोरेट हो जाए, और जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक मॉइस्चर होगा, इससे कोल की क्वालिटी या फ्यूल की क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर अधिक होने से उसका इग्निशन टेम्परेचर अधिक हो जाता है, वेट में इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इट बर्न्स लाइक वुड, गिव्स लेस हीट, कम हीट भी मिलती है, और लकड़ी की तरह धुआं दे करके जलता है। एमिट्स मोर स्मोक एंड लीव्स लॉट ऑफ ऐश, और बहुत अधिक मात्रा में अवशेष अपशिष्ट पदार्थ जो नॉन कम्बस्टिबल ऐश है वो बचे रह जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कोल इज लिग्नाइट विच इज़ ब्राउन कोल, कार्बन कंटेंट अधिक होता है, लोअर ग्रेड कोल है, 40-50% कार्बन कंटेंट, इंटरमीडिएट स्टेज, ये बीच की मध्य स्टेज होती है, मॉइस्चर कंटेंट इज़ हाई, ओवर 35% मॉइस्चर अधिक होता है, इट अंडरगोस स्पॉन्टेनियस कंबस्शन और आसानी से जलता है। बिटुमिनस कोल, सॉफ्ट कोल, मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड यूज, सबसे अधिक मात्रा में ही पाया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राइव्स इट्स नेम आफ्टर लिक्विड कॉल्ड बिटुमिन, कार्बोनेशियस लिक्विड होता है एक बिटुमिन, जिसके नाम के बाद इसका नाम रखा गया बिटुमिनस कोल। 60-80% कार्बन, क्वाइट हाई कार्बन कंटेंट, तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंटेंट लोअर, 15-40%। डेंस कॉम्पैक्ट एंड इज यूजुअली ऑफ ब्लैक कलर, काले रंग का होता है और काफ़ी सुदृढ़ दृढ़ होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कैलोरीफिक वैल्यू इज हाई ड्यू टू हाई प्रोडक्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लोअर मॉइस्चर, कार्बन कंटेंट अधिक होता है और मॉइस्चर कम होता है, जिससे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई हो जाती है। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस, इसका प्रयोग कोल से कोक बनाने में किया जाता है। एंथ्रासाइट द बेस्ट क्वालिटी कोल, हार्ड कोल, 80-95% कार्बन कंटेंट, वेरी लिटिल वोलेटाइल मैटर, नेग्लिजिबल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर, बहुत कम होता है मॉइस्चर कंटेंट, सेमी मेटेलिक लस्टर, एक धातिक चमक होती है, इग्नाइट स्लोली, लेस लॉस ऑफ हीट एंड हाईली एफिशिएंट, तो धीमे धीमे जलता है, अच्छी एफिशिएंसी, अधिक एफिशिएंसी होती है, हीट का लॉस भी कम होता है। नाउ एनालिसिस ऑफ कोल, कोल की एनालिसिस दो रूप में की जाती है, एक कहलाती है प्रॉक्सीमेट एनालिसिस और दूसरी कहलाती है अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में कार्बन कंटेंट के साथ साथ वोलेटाइल मैटर, मॉइस्चर कंटेंट और ऐश कंटेंट को कैलकुलेट किया जाता है, जबकि अल्टीमेट एनालिसिस में एलिमेंटल एनालिसिस होती है, इसमें प्रेजेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब की परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। इट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश कंटेंट एंड फिक्स्ड कार्बन। दिस गिव्स क्विक एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल यूज। तो इस प्रकार एक रफ आइडिया कोल के बारे में मिल जाता है कि कार्बन कंटेंट कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी यूजिबिलिटी किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसी होगी, एक जनरल आइडिया मिल जाता है। अल्टीमेट एनालिसिस, इट इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन कोल। सिंस इट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कोल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस को एलिमेंटल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सब का डिटर्मिनेशन किया जाता है। दिस एनालिसिस गिव्स एग्जैक्ट रिजल्ट्स एंड आर यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल यूजिंग ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला। तो ड्यूलॉन्ग्स फार्मूला में अगर हमको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की परसेंटेज पता हो, तो कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस
एनालिसिस से कोल की एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट ग्रेड और रैंक पता चल जाता है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस के बारे में आप पढ़ते हैं कि कैसे मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और ऐश कंटेंट के बाद फ्री कार्बन की एनालिसिस की जा सकती है, जिससे एक जनरल आइडिया कोल के रैंक का हो सके। मॉइस्चर कंटेंट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल इज वेट इन अ क्रूसिबल, वेट इज W1। द क्रूसिबल इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन मेंटेन्ड एट 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। द क्रूसिबल इज अलाउड टू रिमेन इन ओवन फॉर 1 आवर एंड देन टेकन आउट, कूल्ड इन अ डेसिकेटर एंड वेट W2। लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज मॉइस्चर परसेंटेज। तो क्या होता है कि कोल का एक सैंपल लेते हैं, जिसको पहले एयर ड्राई कर लेते हैं। एयर ड्राई करने के बाद उसका एक स्मॉल अमाउंट तौल लेते हैं, जिसका वेट W1 है। फिर एक ओवन में 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है, जो उसके अंदर उस कोल सैंपल को क्रूसिबल में करके रख दिया जाता है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जितना भी मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट होकर के जब रिमूव हो जाएगा, तो उसे बाहर निकाल करके ठंडा करके फिर से तौल लेंगे W2 ग्राम। तो वेल नोन है कि W1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट इंक्लूडेड है। मॉइस्चर रिलीज हो गया तो W2 की क्वांटिटी W1 से कम हो जाएगी। फिर इसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंट मॉइस्चर इज इक्वल टू लॉस इन वेट, दैट इज W1 माइनस W2 इंटू 100 अपॉन W1। W1 ग्राम कोल में कितना मॉइस्चर था वो W1 माइनस W2। W1 इज द मास ऑफ कोल टेकन। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वोलेटाइल मैटर, द ड्राइड सैंपल ऑफ कोल लेफ्ट इन द क्रूसिबल 1 इज देन कवर्ड विद अ लिड एंड प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, मफल फर्नेस, मेंटेन्ड एट 925 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। द क्रूसिबल इज टेकन आउट ऑफ द ओवन आफ्टर 7 मिनट्स ऑफ हीटिंग। द क्रूसिबल इज कूल्ड फर्स्ट इन एयर देन इनसाइड द डेसिकेटर एंड वेट अगेन W3 ग्राम। लॉस इन वेट इज रिपोर्टेड एज वोलेटाइल मैटर और परसेंटेज ऑन परसेंटेज बेसिस। तो फर्स्ट स्टेज से जब मॉइस्चर कंटेंट निकाल लिया, उसके बाद जो कोल बचा हुआ था उस कोल को दोबारा फिर से 925 डिग्री सेल्सियस मफल फर्नेस में 7 मिनट्स के लिए रख दिया गया। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स के लिए रखा जाता है। इस 5 to 7 मिनट्स पे हाई टेम्परेचर पे जितना भी नॉन कम्बस्टिबल, मे बी कम्बस्टिबल बट वैल्यू वोलाटाइल मैटर, वो इवेपोरेट होकर के रिलीज हो जाता है। तो जो वोलाटाइल मैटर इवेपोरेट हो गया, उसका वेट चूँकि कोल में इंक्लूड किया गया था, इसलिए पर यूनिट ग्राम में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ऐसे वोलाटाइल मैटर को रिमूव करने के लिए 7 मिनट्स के लिए 925 डिग्री सेल्सियस पे कोल को रख दिया गया। फिर निकाल के उसे ठंडा कर लिया, पहले एयर में फिर डेसिकेटर में ठंडा कर लिया और वेट ले लिया W3 ग्राम। अगेन इसका वेट क्योंकि वोलाटाइल मैटर रिमूव हो गया होगा, तो W2 ग्राम से भी कम हो जाएगा W3 ग्राम। तो लॉस इन वेट निकाल लेंगे W2 माइनस W3। परसेंट वोलाटाइल मैटर विल बी इक्वल टू लॉस इन वेट, दैट इज W2 माइनस W3 इंटू 100 अपॉन W1, वेयर W1 इज द मास ऑफ कोल टेकन। यानी ये फार्मूला ऐसे बना कि W1 ग्राम में वोलाटाइल मैटर कितना होगा W2 माइनस W3, तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा W2 माइनस W3 इंटू 100 अपॉन W1। नाउ ऐश कंटेंट, the residual coal in the crucible after removal of volatile matter is then heated without lid in a muffle furnace at 700 degree celsius plus minus 50 degree celsius for half an hour. ab jo residual coal bacha hua tha W3 gram calculation ke baad, us coal ko open crucible mein muffle furnace ke andar 700 degree plus temperature pe हाफ एन आवर के लिए रख देते हैं, जहां वो धीरे 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 उसका कंबस्शन हो जाता है।
The crucible is then taken out, cooled first in air, then in desiccator and weighed. फिर उस क्रूसिबल को बाहर निकालते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करके उसका वेट लेते हैं. हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग इज रिपीटेड टिल ए कॉन्स्टेंट वेट इज ऑब्टेंड. और ये काम रिपीटिशन में किया जाता है, जब तक कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल होगा वो जलता रहेगा, तो जब तक वेट कॉन्स्टेंट ना हो जाए, यानी जो भी मटेरियल उसमें बचा हो वो नॉन कंबस्टिबल हो, तब तक हीटिंग कूलिंग करते रहते हैं. फाइनली जो वेट मिलता है W2 4 ग्राम, वो वेट उसके अंदर बचे हुए नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल का होता है, जिसे ऐश कहते हैं. द रेसिड्यू इज रिपोर्टेड एज ऐश एज परसेंटेज. ऐश परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ ऐश लेफ्ट विच इज W 4 ग्राम नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल इन 200 अपॉन W 1, वेयर W 1 इज द मास ऑफ कोल टेकन. इस तरह से जब मॉइस्चर कंटेंट निकल गया, वोलेटाइल परसेंटेज निकल गई, ऐश परसेंटेज निकल गई, देन फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर एंड परसेंटेज ऑफ ऐश. तो जितना भी मॉइस्चर का परसेंटेज था, वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज था, ऐश का परसेंटेज था, इन तीनों के सम को 100 में से जब माइनस करेंगे तो कोल के अंदर फिक्स्ड कार्बन की वैल्यू पता चल जाएगी. इस तरह से एक जनरल आइडिया कोल के बारे में हो जाता है कि कितना फिक्स्ड कार्बन है, कितना मॉइस्चर है, कितना वोलेटाइल मैटर है, और नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल कितना बचता है, और उसका रैंक डिसाइड हो जाता है. वो ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के बारे में आपने पढ़ा. थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्टीमेट एनालिसिस और एलिमेंटल एनालिसिस.